इंटरनेशनल बांग्लादेश और भारत के बीच शेर बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर में शुरू होने को है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने। दोनों टीमों के बारे में भी बात करेंगे। बदलाव हुए हैं, दो बदलाव हुए हैं भारतीय टीम में, और वहीं एक बदलाव बांग्लादेश ने भी किया है। दीपक चहर और उनके सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज तैयार है। अच्छी शुरुआत, मजा आया भाई, देखने वाले को भी मजा आया तो सोचिए खेलने वाले को कितना मजा आया होगा। हाँ, यहां दोहरे मन में थे और लगता है कि यहां चोट लगी है रोहित शर्मा को। और ये करीबी मामला है, पहली विकेट मिलनी चाहिए, यहां मौका है आपके पास, डीआरएस ले सकते हैं, गवाने की बात है। Original decision is out, pitching outside off, impact in line, wickets is hitting. I'm going back to Michael on field. Michael, you are going to stay with your out decision. 11 पे एक बांग्लादेश। चलिए, आपने कहा, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? वापस लेता हूं। अब बेहतरीन बॉलिंग। क्या बिल्कुल, ये गेंद थोड़ी सी आगे ये बढ़िया शॉट, और इसीलिए ये बढ़िया प्लेयर रह चुके हैं बांग्लादेश के लिए इतने सालों से। यहां शॉट गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया शंटो ने। कमाल की गेंद, लेंथ पे थोड़ा सा बदलाव, आगे गेंद और गति फिर से। 21 रन बनाए शंटो ने, 52/3 बांग्लादेश। टॉपिक है, दूर गेंद गई नहीं, दो फील्डर आपस में भिड़ गए पर कैच को पकड़ लिया शिखर धवन ने। ओवर की ये आखिरी गेंद थी और रुक गया, टर्न हुआ पिछले मैच में, कवर्स पे आउट हुए, सेम गेंद बाज था और यहाँ आउट हुए। बाप रे बाप, जहाँ गेंद गिरनी चाहिए वहां तो गिरी नहीं, कलाइयों और शोल्डर का सहारा लेना पड़ा। कैचर आउट लग रहा है मुझे, रोहित शर्मा है नहीं, विराट कोहली ने बोला भाई कुछ ना कुछ तो लगा है, ले लिया रिव्यू। कीप इट रोलिंग थ्रू, कीप इट रोलिंग थ्रू, देयर इज अ क्लियर स्पाइक एज द बॉल इज नेक्स्ट टू द ग्लव्स। आई एम सैटिस्फाइड दैट द बैट्समैन हैज हिट द बॉल विद हिज ग्लव्स फर्स्ट। आउट हुए मुशफिकुर रहीम, 24 बॉल खेल के 12 बनाए, 69/5 बांग्लादेश। यस, बोल्ड हो गए, कट मारने का प्रयास था, पकड़ के बॉल तेज अंदर आई, टर्न हुई नहीं इस बार, एंगल के साथ सीधा स्टंप पे दे मारा बॉल ने। आए और चले, साथ में ले चुके बतख, क्वैक क्वैक क्वैक। खराब गेंद थी नहीं, वाइड थी, दूर थी, और यहां पर लीजिए कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया है और लगता है गेंद बाउंड्री के पार चली गई है। अच्छा शॉट खेला ये, बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये अर्धशतक पूरा हुआ मेहदी हसन मिराज का, तीसरा अर्धशतक अपने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में। मोहम्मद अल्लाह 50 रन यहां पूरे हुए और इंपॉर्टेंट पारी रही है इनके लिए। अच्छा शॉट खेला है ये, और रन बचाए कुछ विराट कोहली ने। चार, बढ़िया शॉट, 197/6। ना आज तो पता नहीं क्यों इस लेंथ के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। यहां इस्तेमाल किया कलाइयों का, क्या शॉट लगा है, यहां पे औसत इस्तेमाल, केएल राहुल ने पकड़ लिया कैच। बहुत देर कर दी तुमने आते आते, लेकिन कमाल का कैच यहां लपक लिया केएल राहुल ने। 77 रन बनाए, 217/7।
ये शॉट देखिए जरा, ये शॉट देखिए, बहुत बढ़िया ढंग से गैप ढूंढा है। अब तो इस तरह के शॉट भी खेले जाएंगे और क्योंकि रफ्तार है तो उसका फायदा भी मिलेगा यहां बल्लेबाज को। उसमें कुछ और रन जोड़ दीजिए आप, 6 रन और जोड़ दीजिए उसमें। बहुत ऊंची गेंद गई है, ये कितनी लंबी है वो देखने वाली बात। तय कर ली लंबाई, 4 नहीं 6 मिले पूरे। यहां 99 है, लास्ट बॉल है, मारना पड़ेगा शॉट। और मारा शॉट और इसी के साथ अपना सैकड़ा पूरा कर लिया है, 100 रन बना दिए मेहंदी ने। क्या कमाल की पारी खेली है, ना थका हूं मैं ना मैंने हिम्मत हारी, हौसले हैं बुलंद, सफर है अभी मेरा जारी। ये एक बार फिर करके दिखाया इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय सही साबित हुआ क्योंकि एक शानदार पारी खेली मोहम्मद दुल्ला ने और मेहंदी 100 रन बना के नाबाद रहे। इसी के चलते बांग्लादेश ने 271 रन 7 विकेट के नुकसान पे बनाए अपने 50 ओवरों में। तो अगर श्रृंखला में बने रहना है ये मैच हर हाल में आपको जीतना होगा। 272 रन भारत को बनाने हैं 5.44 रन प्रति ओवर की औसत से। लिटन दास का तो काम बड़ा आसान है, जहां इनको देखें इनके हाथ में या तो गेंद पकड़ा दें या बल्ला, और इन्होंने ऐसा कुछ करके भी दिखाया है। पहली गेंद और आते संगी अपना खाता खोला, बढ़िया शॉट, बाउंड्री के साथ यहां खाता खुला है। और विराट कोहली की विकेट गिर गई, यहां पहली विकेट मिली है इबादत को। जश्न देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है यहां शेर बांग्ला स्टेडियम में। विराट कोहली 5 बनाकर आउट, 7 पर 1। ओह ये देखिए जरा, अब बताइए यहां बल्लेबाज करे तो क्या करे। और इसी वजह से ये सोच अच्छी थी कि आप यहां पे मुस्तफिजुर रहमान को लेकर आए। इस गेंद के खिलाफ कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकता। शिखर धवन 8 बनाकर आउट, 13 पर 2। ब्यूटीफुल, अति सुंदर, बाहर निकले, शानदार शॉट। यही आक्रामकता, यही इंटेंसिटी की आवश्यकता है इस समय। बेहतरीन शॉट लगाकर ओवर की समाप्ति की यहां पर श्रेयस अय्यर ने। हवा में और आसान सा विकेट गिर गया है यहां पर। सॉफ्ट डिसमिसल, बहुत ही सुंदर, फिर से बहुत बड़ा झटका। पहले ही ओवर में शाकिब अल हसन ने ये विकेट लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट। 10 ओवर समाप्त होने के बाद 39 पर 3 अब भारत।